मुंबई में टोल टैक्स हटाओ आंदोलन के नायक डॉक्टर हरीश बी शेट्टी का जोरदार स्वागत सम्मान बोरीवली के एक्सर में किया गया। महाराष्ट्र मानव सेवा संघ ने मुंबई में टोल टैक्स के विरुद्ध वर्ष 2000 में आंदोलन किया था, जिसके कारण 28 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया। उन दिनों महाराष्ट्र मानव सेवा संघ के अध्यक्ष हरीश बी शेट्टी अपने 28 सहयोगियों के साथ 28 दिनों तक जेल में बंद थे, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल थी। महायुति सरकार ने अब मुंबई के 5 टोल नाकों पर छोटे वाहनों का टोल टैक्स माफ कर दिया है, जिसका स्वागत हरीश बी शेट्टी ने किया। इस अवसर पर मुंबई में टोल हटाओ आंदोलन के नायक कहे जाने वाले हरीश बी शेट्टी का भी जोरदार ढंग से बोरीवली में स्वागत सम्मान किया गया। आज हमारे साथ महाराष्ट्र मानव सेवा संघ के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। यह लोग शुरुआती दिनों में जब चेक नाके का आंदोलन शुरू हुआ था, टोल नाका बना था, मुंबई के टोल नाके की कहानी आज मानव सेवा संघ के कार्यकर्ताओं के जुबानी हम सुनाएंगे कि किस तरह से वो टोल मुक्ति के लिए जब आंदोलन शुरू किए तो उन्हें जेल जाना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, और उनके संघर्ष की जो कहानियां थी शुरुआती दिनों की वो आज बताएंगे। आज टोल का जो यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने माफ किया है छोटे वाहनों का, उसको लेकर के खुशी मनाई जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है। महाराष्ट्र मानव सेवा संघ के जो अध्यक्ष हैं हरीश, उन्होंने सरकार को इसके लिए धन्यवाद कहा है, नितिन गडकरी जी को भी कहा है। हम उनसे जानते हैं ना, क्या कहना चाहेंगे जरा हमारे जो दर्शक हैं उनके बताइए। एक तो कहूंगा मैं देर आए दुरुस्त आए, ऊपर से हमें जो न्याय मिला है वो सही मायने में एक सच्चा न्याय है, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई थी। हमने कभी नाम कमाने के लिए आंदोलन नहीं किया है, हमेशा कोई भी आंदोलन किया है उसमें कभी हम लोगों ने नाम के लिए काम नहीं किया है, लोगों के लिए काम किया है। वी आर सोशल वर्कर, वी आर नॉट ए पॉलिटिशियन। लेकिन पॉलिटिक्स में होने के बावजूद भी हमने ये काम किसी को न सुनते हुए हमने ये बहुत बड़ा काम किया था। ऐसे काफ़ी सारे आंदोलन किए, लेकिन ये सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें 5 से 6 हज़ार लोग थे, उनका सपोर्ट की वजह से। आपने जब आंदोलन शुरू किया तो उस समय मीरा भाईंदर के लोग भी जुड़े, और दूसरी बार जब आंदोलन हुआ आपका 2018 में तो मुंबई से भी काफ़ी लोग जुड़े, MLA जुड़े, उसमें सांसद जुड़े, उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। वो सांसद लोग था तो हमारा ही आंदोलन, लेकिन सांसद साहब ने बोला, गोपाल शेट्टी साहब ने, ये तुम्हारा ही आंदोलन है क्योंकि स्टार्ट तुमने ही किया है, तो ये मैं आपको सपोर्ट देने के लिए आया हूँ, ऐसा खुद गोपाल शेट्टी साहब ने कहा है। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, मनीषा ताई चौधरी को, नरेंद्र मेहता जी को, और गीता जैन जी को भी धन्यवाद दूंगा। उस वक्त वो लोग 2018 में आए थे, इससे पहले नहीं, 2018 में आए थे। निसार जी क्या कहेंगे, कैसा अनुभव था जब आप लोग आंदोलन शुरू किए थे? मैंने देखा है कि खुद की जान की परवाह ना करते हुए, परिवार का ध्यान ना रखते हुए, मुंबई कर लोगों के लिए जो इस मुंबई के दर्शन पे जो ये एक गंभीर समस्या पैदा करता हुआ टोल नाका को उखाड़ने के लिए हरीश अन्ना ने जो उस टाइम पे तीव्र आंदोलन करके सत्ताधारी पार्टी में रहते हुए सरकार को जो उखाड़ने का टोल नाका उखाड़ने का ये जो मैसेज दिया था, आज हम सब लोग हृदय से हरीश अन्ना को और तमाम हमारे सभी मानव सेवा के कार्यकर्ताओं को अन्ना के साथ हमेशा खड़े रहने की मुंबई की जनता जो उम्मीद करती है हरीश अन्ना से, कि भाई वक्त पड़ने पर जब हरीश अन्ना ये जो अन्न माता के अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से व्यवसायी हैं, अपने खुद के पैसे डाल के जो ये लोगों को मदद और सहायता करने का काम करते हैं, आज उनके इरादों की बुलंदी की जीत हुई है। मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से, माननीय श्री उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी से, और ख़ास तौर पे अजीत दादा की पार्टी में रहते हुए जो हरीश अन्ना ने जो ये एक संघर्ष करने का काम किया था सत्ता में रहते हुए, मैं इन सबको बहुत दिल से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक कामना करता हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसे सभी आंदोलनकारियों का एक हृदय से सरकार ने सम्मान के रूप में जैसा ही निर्णय दिया है, उनकी 200 साल पुरानी दबी हुई आवाज को उन्होंने अपनी ताकत देके लोगों को न्याय देने का काम किया। मेरी इच्छा है कि डॉक्टर हरीश शेट्टी जी, डॉक्टर सतीश शेट्टी जी, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह ना करते हुए इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप देने का काम किया था, उनका लोगों की जनता की भलाई के लिए उनका सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसे इरादे और भावनाओं के साथ में सरकार को
धन्यवाद देता हूँ। मैम आप भी आइए, क्या कहना है इस आंदोलन को लेकर के, क्योंकि चार महिलाएं भी जेल में गई थी उस समय जब आंदोलन शुरुआत हुआ था, आपका क्या कहना है इस बारे में? त्यांचं योगदान जे होतं ते अतिशय म्हणजे शब्दच कमी पडतील असं होतं, कारण महिलांनी एवढ्या प्रमाणात येऊन आंदोलन करणं म्हणजे, टोलचा जो प्रश्न आहे तो खरंच म्हणजे आत्ता ज्याप्रमाणे थोडंसं हे केलेलं आहे तसं सगळ्यांवर चांगला न्याय झाला तर हे मला चांगलंच वाटलं। इबी जी, आप शुरुआत से हरीश अन्ना के साथ में रहते हैं, इस आंदोलन को लेकर के क्या कहना है, क्योंकि आप लोग जो थे वहाँ पे आंदोलन किए, जेल सभी लोग गए हैं, अब बाद में निर्दोष भी बरी हुए। मैं मानव सेवा संघ के अध्यक्ष हमारे हरीश शेट्टी जी को धन्यवाद देता हूँ कि मानव सेवा संघ जब बना उस जमाने में 2000 में, जब महाराष्ट्र में हमारी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, उस जमाने में टोल लग चुका था, तो टोल को बंद करने के लिए मीरा भाईंदर और बोरीवलीकर उन्होंने बहुत ही बड़ा आंदोलन 2000 में किया था, जिसमें हमारे को 28 आदमी को जेल में जाना पड़ा और बहुत ही लंबे समय तक हम लोग अंदर थे। उसके बाद हमारे को कोर्ट ने न्याय दिया, जामीन पे आने के बाद कोर्ट ने 2 साल में हमको बरी किया। मैं पहले तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब उनको धन्यवाद देता हूँ, उसी तरीके से हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और हमारे अजीत दादा पवार साहब उप मुख्यमंत्री उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें छोटी व्हीकल को राहत दी है। मैं ये जो राहत है ये बहुत छोटी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी राहत है, क्योंकि इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था आज और दूसरी बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुंबई के पांचों रास्ते पे ये टोल की वजह से बहुत ट्रैफिक भी होती थी, जो आज आप जाके देख सकते हैं हमारे दहिसर के चेक नाके पे जाके देख सकते हैं कि एक गाड़ी नहीं रुकती है, जो कि आज अगर हमको फाउंटेन होटल तक जाना था तो 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था, आज 10 मिनट में फाउंटेन होटल जा सकते हैं, थाना जा सकते हैं आधे घंटे के अंदर, नहीं तो थाना जाने के लिए हमको 2 से 2.5 घंटा लगता है। मैं मानव सेवा संघ के अध्यक्ष हमारे हरीश शेट्टी जी, सतीश शेट्टी जी, पुत्र अन्ना, सभी हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये टोल नाके के आंदोलन में बहुत ही बड़ा सहभाग दिया, और ये जो टोल आंदोलन अभी हुआ और उसमें ये जो माफी हुई छोटे गाड़ियों की, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो हरीश अन्ना के साथ जेल में भी जाके आए हैं इस आंदोलन को लेकर के। हरीश अन्ना के साथ आप भी जेल गए थे, और अपनी पीड़ा जरा बताइए दर्शकों को। अभी टोल माफी हो गई है, छोटे वाहनों को सरकार ने टोल माफ कर दिया है, कैसी खुशी हो रही है, और पहले जो जेल जाने की पीड़ा थी वो भी जरा व्यक्त कीजिए। नमस्कार, मैं 25 साल से चुप था, क्योंकि उस जब जेल जाने के बाद में जो मुझे मन में जो घाव लगा है ना, आज वो मतलब हील हो गया है। आज तक वो याद रहा कि हमने समाज के लिए किया, मगर इसका परिणाम इतना बुरा हुआ मेरे लिए, इतना बुरा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना हो सकता है। मेरा बिजनेस गया, मेरा फैमिली का ये हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम्स आए मुझे, तो आज जो समाधान हो रहा है मुझे, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। ये जो शब्द है ना टोल, ये भोजा है समाज पे। टोल मतलब इसका जो विजय करना, इट इज मतलब इसका एक्सट्रैक्शन लेना है समाज से, इसका इसका वजन लेना है समाज से, तो वो आज वजन हट गया है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपने सुना कि जिस तरह से ये आंदोलन शुरुआत हुई, लेकिन ये आंदोलन हुआ तो पब्लिक के लिए हुआ, और जो टोल लगाया गया सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध कराई वो जनता के लिए उपलब्ध कराई। क्या होता है जब कोई भी सरकार आती है, कोई रोड बनते हैं, पुल बनते हैं, तो उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना होता है, तो सरकार ने उस समय किया था, लेकिन कुछ सुविधाएं आसपास जो 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले थे उनको सोचना चाहिए था वर्तमान सरकार को, लेकिन उसी के लिए आंदोलन जो जनता के हित में ये महाराष्ट्र मानव सेवा के कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने किया, तो उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन अब उनकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन इनका कहना है कि हमने जो शुरुआत किया था, लेकिन अब काफ़ी लोग वहाँ आके मिठाइयाँ बांट रहे हैं, केक काट रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, लेकिन हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, हम सिर्फ चाहते हैं कि जनता का भला हो। मीरा भाईंदर की जनता इनके साथ आई, मीरा भाईंदर के लोग आए, मुंबई के लोग आए, और आंदोलन उग्र हो गया, लेकिन इसमें इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये जनहित में आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन किस तरह से वहाँ पे बिगड़ गया, इसके लिए कुछ लोग बाहरी लोग जवाबदार थे। हमारे साथ संतोष जी हैं, संतोष जी जरा संक्षेप में बताइए दर्शकों को
कि जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो जनहित में आंदोलन शुरुआत, क्योंकि जो मीरा भाईंदर के लोग थे डेली मुंबई काम करने आते हैं, सामान उनका मुंबई आता था, तो उसलिए रोज उनके टोल का जो बोझ था काफी बढ़ता जा रहा था। लोग चाहते थे कि उनको टोल में मुक्ति मिले, जो छोटे वाहन हैं, जो नितिन गडकरी जी ने आज फैसला लिया है, महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, ये 25 साल पहले 24 साल पहले जब आप लोगों ने शुरुआत किया था, क्या थी स्थिति उसकी? देखिए क्या था, इसको जब टोल लगाया ना उस वक्त बहुत अचानक से ये टोल लगा था, इसकी कोई जो पूर्ण सूचना जैसी कोई चीज है ना मुंबई को उन्होंने दिया नहीं था, क्योंकि पहले तो सब ऐसा था कि टैक्स के माध्यम से ये जो फ्लाईओवर बन रहा है यही सबकी एक मंशा थी, लेकिन सडनली जैसे वहाँ पे एक बैरिकेड जैसा लग गया कि भाई आप गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते बिना पैसा दिए, तो वहाँ के जितने लोग थे वो एकदम से उस वक्त ये टोल का ये जो पैटर्न ही नया था हमारे लिए 25 साल पहले, बॉम्बे के अंदर घुसने के लिए बॉम्बे से बाहर निकलने के लिए आपको जबरन पैसा देना पड़ेगा। तो उस वक्त क्या हो गया कि जब हमने जब इस आंदोलन की शुरुआत शुरू की तो ये लोगों के अंदर उसका आक्रोश इतना था कि जिस दिन हमने जब आंदोलन की जब बड़ी हमने आवाज़ दी कि हमको लोगों यहाँ पे इकट्ठा हो जाइए हम सिर्फ नारेबाजी करेंगे, लेकिन देखते देखते उग्र होते होते गया, लोग वहाँ से तोड़फोड़ करने शुरू कर दिए, बोला कि यही एक रास्ता निकलेगा कि हम अभी यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे तो कुछ होगा, लेकिन जब तक हम जब तक उनको समझाते रहे कि उस वक्त बोलते भीड़ की कोई शक्ल होती नहीं है, कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ कर रहा था, हम किसी को रोक नहीं पाए, और वो इतना उग्र होता गया कि फिर जब तक पुलिस आई सिचुएशन को कंट्रोल करने की स्थिति में जब पहुंची तब तक तो ट्रैफिक दोनों साइड से इतना लग चुका था, लोगों का गुस्सा बढ़ते जा रहा था, अपनी प्रॉपर्टी डैमेज होते जा रही थी, टोल नाके के सारे कंप्यूटर्स तोड़े गए, फिर उस बीच में पुलिस ने हम सबको जितने जो हम जो आंदोलन के जिसने आवाज़ दी थी वो हम सबको उन्होंने पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया। आपने सुना किस तरह से आंदोलन ये शुरू हुआ था जो टोल माफी के लिए, अब वह साकार हो गया है, टोल को थोड़ा सा सरकार ने राहत दिया उसको लेकर के, और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो टोल से जुड़े हुए थे, कैसा खुशी व्यक्त करना चाहेंगे आज? ये तो बहुत अच्छी बात हुई है जो ये आंदोलन का जो अभी रिजल्ट आया 25 साल बाद आया है, लेकिन 25 साल पहले की हम बात करेंगे तो आप 25 साल पहले देखेंगे तो ट्रैफिक उस हिसाब का नहीं था, ये आप देखेंगे कि पिछले जो गवर्नमेंट ने भी अंदाज़ा लगाया था उससे 10 गुना जो ट्रैफिक है आज गाड़ी वाहन है वो बढ़ चुकी है, और गवर्नमेंट ने इससे अच्छा टोल रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, जो उन्होंने पुल बांधे थे उसके अगेंस्ट जो ये बनाए थे उसका काफ़ी पैसा इनके पास पहले ही आ चुका था। हमने जो आंदोलन किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि वहाँ जब उस 25 साल पहले जब वहाँ दहिसर चेकना कहके आजू बाजू में रहने वाले लोग थे उनको रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी की चीज़ों के लिए दहिसर आना पड़ता था, हम जो मीरा रोड की, क्योंकि उस वक्त मीरा रोड इतना डेवलप नहीं हुआ था आज से 25 साल पहले, तो हर छोटी मोटी मर अच्छा डॉक्टर भी अगर आपको चाहिए तो आपको दहिसर या बोरीवली आना पड़ता था, और जितने फ्लाईओवर्स बने थे वो दहिसर से आगे बने थे, हमारा कहना ये था कि अगर आप दहिसर से चर्चगेट तक जा रहे हो तो आप सारे फ्लाईओवर को यूज़ कर रहे हो फ्री में यूज़ करें, लेकिन हम जो वहाँ रह रहे हैं हमको एक भी फ्लाईओवर यूज़ नहीं करना है, आना दहिसर मार्केट में, लेकिन हमको टोल आने जाने का बनना है, ये हमारा उद्देश्य था। हम बोल रहे थे उसमें काफ़ी सारा अलग ढंग था, आप पेट्रोल में उस वक्त अगर 50 पैसा या 1 रुपया भी लगा लेते तो भी वो टोल कलेक्ट हो सकता था और वो ये ट्रैफिक का और आने जाने का, लेकिन ठीक है वो उस आंदोलन में हुआ और देर आए दुरुस्त आए। हमारे साथ सतीश अन्ना है जो इस आंदोलन में भी सहभागी हुए थे, उनसे भी जानते हैं अब सफलता मिली है, आप भी अंदर गए थे जेल में, अब सरकार ने आपका जो शुरुआती आंदोलन था उसको जाकर अब सफलता मिलती 25 साल बाद, क्या कहना है? बड़ी खुशी की बात है जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, जो जरूरी था कई समय से हमारा 25 साल की लड़ाई जिस तरह से मानव सेवा संघ ने एक आंदोलन द्वारा एक रिट पिटीशन द्वारा जो जो हो सकता था जो आंदोलन जिस समय किया गया जैसा अभी शिंदे साहब ने बताया कि उन्होंने भी किया था, तो कोई भी राज्य में कोई भी नहीं बता सकता कि जितना आंदोलन महाराष्ट्र मानव सेवा संघ ने किया है, और पूरे तहे दिल से जिस तरह से हर बार हर कोशिश कामयाबी की तरफ जाने के लिए, जैसा उस दरमियान अगर 20 रुपये का जो टोल करवाया था तो हमने करवाया था, उस वक्त 36 रुपये का टोल सरकार की तरफ से था, जो अगर पिटीशन नहीं किए होते तो आज का टोल का भाव होता था 100 से 110 रुपये का करीब होता था, लेकिन अपना वो पिटीशन भी इतना ही काम आया, कितने लोगों को उसमें छूट दी गई जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें तो जो टैंकर बिंकर जो ये था उनको फ्री, स्कूल बसेस को फ्री किया गया, जितना हो सकता था अपने उस वक्त भी बेनिफिट दिया गया,
भले हमारा जो भी हमको जेल में जाना पड़े, जो भी हमको जो हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, जो तहे दिल से सब लोगों का उस वक्त भी मीडिया ने इतना साथ दिया, तहे दिल से साथ दिया, हर कोशिश में हमको ये किया, उसमें आप लोग का भी बहुत धन्यवाद, आप लोग का बहुत उसमें सहकार्य रहा। आप सुने कि जो महाराष्ट्र मानव सेवा संघ के टोल के आंदोलनकारी इनकर कहें कि जनता के हित में इन्होंने टोल के लिए आंदोलन किया, उनकी जो पीड़ा थी वो अपनी पीड़ा बयां कर रहे थे। जेल में गए 24 साल 25 साल हो गए, वो दिन गुजर गए। अब महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है छोटे वाहनों का टोल माफ करने का, उन्हें एक राहत भरी नजर आई है खबर, उन्हें बहुत अच्छा सुकून मिला है, उसके लिए काफी उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया सरकार का, और सरकार को पत्र भी लिखेंगे, और हरीश अन्ना को लोग यहाँ जो कार्यकर्ता है मिठाई खिला रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं कि जो उनका आंदोलन था वो सफल हो गया, और जनता उनको धन्यवाद भी दे रही है कि उन्होंने उनके लिए जो आंदोलन किया जनता के हित में किया। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज, मुंबई।